वास्तु शास्त्र की यह 27 टिप्स आपके घर को खुशहाल बना देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। एक, अपने घर के नल से पानी को टपकने ना दें, इससे आपके घर में आर्थिक संकट आ सकती है। दो, घर में टूटे फूटे बर्तन का इस्तेमाल ना करें। तीन, छत पर रखे पानी की टंकी से पानी का रिसाव ना होने दें, घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। चार, वास्तु नियम के अनुसार ही पूजा घर बनवाए और किसी भी देवी देवता का एक से अधिक तस्वीर या मूर्ति ना रखें। पाँच, तिजोरी में हल्दी के कुछ गांठ एवं चावल को पीले करके पीले वस्त्र में बांध कर रखें, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। छह, प्रतिदिन घर में सुबह शाम कपूर अवश्य जलाएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। सात, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से घर का पोछा लगाएं, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। आठ, घर में कहीं भी मकड़ी के जाले ना बनने दें। नौ, घर में कहीं भी कचरा और जल का जमाव ना होने दें। दस, घर के छत पर कूड़े बांस या टूटे हुए चारपाई ना रखें। ग्यारह, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू ना लगाएं। ग्यारह, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू ना लगाएं और झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाले किसी भी अतिथि को दिखाई ना दे। झाड़ू को बेड के नीचे कभी नहीं रखें। 12. घर की ईशान कोण एवं उत्तर दिशा को हमेशा साफ और खाली रखें। 13. वॉशरूम को हमेशा गीला ना रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश होती है। 14. दक्षिण या पश्चिम दिशा को हल्का या खाली ना रखें, इसे करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं माना जाता है। 15. घर के दीवारों, पर्दे या चादर में जामुनी, काले या फिर बैंगनी रंगों का प्रयोग ना करें। 16. घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं, इससे आपको आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य में हानि का सामना करना पड़ सकता है। 17. घर के दीवारों या छत पर दरारें ना पड़ने दे, अगर ऐसा होता है तो उसे तुरंत ही भरवा दें, घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। 18. बिस्तर के सामने आईना कभी ना लगाएं, क्योंकि सोते हुए व्यक्ति का परछाई बनना अशुभ माना जाता है। 19. अपने बेडरूम में किसी भी देवी देवता का तस्वीर या मूर्ति ना लगाएं। 20. बेड पूर्णतः लोहे का नहीं होना चाहिए, इससे आपको स्वास्थ्य हानि हो सकती है। 21. बेडरूम के बल्ब का रंग लाल नहीं होना चाहिए, नीले या फिर हरे रंग का बल्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। 22. फटे हुए बेडशीट, फटे हुए पर्दे या फिर फटे हुए तकिए का उपयोग ना करें। 23. रविवार के दिन कभी भी तुलसी माता को जल अर्पित ना करें। 24. बेडरूम के दरवाजे के सामने और छत के बीम के नीचे पलंग नहीं लगाना चाहिए। 25. बेडरूम में जूते, चप्पल, फटे पुराने या फिर आवाज करने वाला कोई भी सामान ना रखें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। 26. खाना खाने के बाद थाली में हाथ कभी भी ना धोए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। 27. झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं और ना ही झाड़ू को कभी खड़ा रखें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।